अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका इस YouTube चैनल पर इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस YouTube चैनल पर आपको एक सिंपल लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में आपको वीडियोस बनाकर समझाया जाता है। अगर आप इस नए चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऑल वीडियोस और ऑल नोटिफिकेशन मिल सके। आज का हमारा जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, इसको आखिर तक देखिए। हम 2 या 3 मिनट में हम पूरा मेजरमेंट समझ लेंगे। हमको आज समझना है कि स्क्वायर मीटर को स्क्वायर फीट में कैसा करते, चौरस मीटर को चौरस फीट में कैसा करते, मुरब्बा मीटर को मुरब्बा फीट में किस तरह करते। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जब घर का काम करते हैं या रोड का काम करते हैं, पीडब्ल्यूडी का काम करते हैं, बहुत सारे वर्क रहते हैं, पीडब्ल्यू सेक्शन है, तो वहाँ पर हमको जो मालूमात दी जाती है, प्लॉट जो मालूमात दी जाती है, साइज दी जाती है, वो मीटर में दी जाती है और हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है फीट में। काय में? फीट में, चौरस फीट में कन्वर्ट करना पड़ता है चौरस मीटर को, तो वहाँ पे हमको तकलीफ जाती है। तो कुछ मालूमात मैं आपको दूंगा कि चौरस मीटर को चौरस फीट में कैसा करते, स्क्वायर मीटर को स्क्वायर फीट में कैसा कन्वर्ट करते। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। देखिए स्क्रीन पर, सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि चौरस मीटर, एक स्क्वायर मीटर मतलब 10.76 स्क्वायर फीट होता है। मतलब क्या होता है इसका, अगर आपके पास एक मीटर है तो इसका मतलब आपके पास कितने फीट है, आपके पास एक स्क्वायर मीटर है। अगर आपके पास एक स्क्वायर मीटर है तो आपके पास कितना है, 10.76 स्क्वायर फीट है, 10.76 स्क्वायर फीट है। ये कानून बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सेकंड बात इतना ध्यान में रखिए कि ये स्क्वायर फीट क्या है, ये स्क्वायर मीटर क्या है, ये चौरस मीटर क्या है, एक फुट बाय एक फुट ये क्या है, एक स्क्वायर फीट, एक मीटर बाय एक मीटर ये क्या है, एक मीटर स्क्वायर मतलब एक चौरस मीटर। अब देखिए आपके प्लॉट की साइज, ये दिखाई दे रही है आपको, अभी प्लॉट की साइज 170 मीटर है, 170 स्क्वायर मीटर है, 170 चौरस मीटर है। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, गुनीला 10.76 मतलब मल्टीप्लाई 10.76 से करना पड़ेगा, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 1829.2 काय में, स्क्वायर फीट में, काय में, स्क्वायर फीट में। तो इस तरह से हम जो है तो स्क्वायर मीटर को स्क्वायर फीट में कर सकते, चौरस मीटर को चौरस फीट में कर सकते। अब देखिए, आप देखेंगे जब भी आप प्लॉट खरीदते हैं तो आपका जो मालूमात जो दी जाती है स्क्वायर मीटर में रहती, इसलिए हम स्क्वायर फीट में करते। अब देखिए बोर्ड पर मैं बता देता हूँ क्या आपको ध्यान में रखना है कि एक स्क्वायर मीटर ओके कितना होता है, 10.76 स्क्वायर फीट, 10.76 स्क्वायर फीट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इस तरह से कानून चलेगा, ओके। अब ध्यान में रखिए कि भाई अगर आपको स्क्वायर फीट को अगर कन्वर्ट करना है काय में, स्क्वायर मीटर में, तो आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो इसका मतलब हमारे क्या करना पड़ता है, जब स्क्वायर फीट को स्क्वायर मीटर बनाए तो डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरह से हम स्क्वायर फीट को स्क्वायर मीटर में कर सकते हैं और स्क्वायर मीटर को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और हमारे डेली लाइफ के कैलकुलेशन हम बहुत ईजी परफॉर्म कर सकते, ओके। अब देखिए, आप अगर इस वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे आगे भी शेयर कीजिए। अब मैं कुछ एक्टिविटी दे रहा हूँ कि आपको इसका स्क्वायर फीट और स्क्वायर मीटर करना पड़ेगा, ओके। ये 4 एक्टिविटी आपके सामने, और इसे हमको वर्क करके सेंड कीजिए, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।